हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही आपसे हर बार की तरह कहना चाहूँगी कि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को लाइक भी करें। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज़ इंटरपर्सनल बिहेवियर। इंटरपर्सनल बिहेवियर पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगी इंटर ग्रुप बिहेवियर। इंटर ग्रुप बिहेवियर क्या है? जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और उन डिपार्टमेंट की आपस में इंटरडिपेंडेंस होती है, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, R&D, दीज आर फुली इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। यहाँ पर हम कैसे टास्क परफॉर्म करते हैं और हमारी इंटरडिपेंडेंस कैसी रहती है, उसे हम कहते हैं इंटर ग्रुप बिहेवियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरपर्सनल बिहेवियर। इंटरपर्सनल बिहेवियर इज़ कंसर्न्ड विद द इंटरेक्शन ऑफ टू पर्सन्स एट अ टाइम। यहाँ पर हम बात करते हैं कि कैसे दो पर्सन्स हैं जो उनका आपस में इंटरडिपेंडेंस होती है, इंटरेक्शन होती है। इन दिस इंटरेक्शन द इंडिविजुअल बिहेव्स इन अ पर्टिकुलर वे बिच में भी आइदर कॉपरेटिव और कन्फ्लिक्टिंग। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे दो पर्सन हैं जो आपस में बिहेव करते हैं, वो कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है और कॉपरेटिव भी हो सकता है। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इंटर पर्सनल बिहेवियर वेरियस टेक्निक्स हैव बीन डिवेल्प। और इन कन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इंटर पर्सनल बिहेवियर को, उनको अलग अलग टेक्निक से डिवाइड की गई हैं। टू टाइप्स के इंटर पर्सनल बिहेवियर हमारा हो सकता है, इंटर पर्सनल कॉपरेटिव बिहेवियर और इंटर पर्सनल कन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर। देखते हैं इंटर पर्सनल कॉपरेटिव बिहेवियर। इंटरेक्शन बिटवीन टू पर्सन इज म्यूचुअली ग्रेटिफाइंग, इट इज कॉपरेटिव बिहेवियर। इन दिस केस पर्सन आर इंगेज इन कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट आर कंडीशन फॉर दिस टाइप ऑफ बिहेवियर। कंसर्न फॉर ईच अदर्स नीड्स एंड इंटरेक्शन विद कॉम्प्लीमेंट्री ईगो स्टेट्स, दैट इज़ फंक्शनल बिहेवियर। इंटरपर्सनल जो कॉपरेटिव बिहेवियर हम उसे फंक्शनल बिहेवियर भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं, म्यूचुअली ग्रेटिफाई करते हैं, ट्रस्ट होता है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, कंडीशंस को मानते हैं, इंट्रैक्शन रखते हैं, तो यहाँ पर हमारा एक पॉजिटिव बिहेवियर होता है। इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर जहाँ पर हमारा एक नॉन फंक्शनल हम कह सकते हैं कि हमारा बिहेवियर होता है, जो नेगेटिव बिहेवियर होता है, जहाँ पर बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जो हमारे पर्सनल डिफरेंसेज और डिस्प्यूट का कारण बनते हैं, हमारा वैल्यू सिस्टम कैसा है, इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट कैसे हैं, हमारे रोल हमें क्लियर नहीं है, एम्बिग्यूटीज़ हैं। इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट हमेशा हर ऑर्गेनाइजेशन में, इवन हर ह्यूमन बीइंग है, तो बिहेवियर्स में कन्फ्लिक्ट होना एक आम सी बात है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरपर्सनल बिहेवियर की आगे हम एक टर्म लेते हैं, ट्रांजेक्शनल एनालिसिस। तो देखते हैं ट्रांजेक्शनल एनालिसिस क्या है। द रिलेशनशिप इन्वॉल्व्स द सोशल ट्रांजेक्शन्स बिटवीन दैम एंड द ट्रांजेक्शनल एनालिसिस इज एन अटैम्प्ट टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव सच ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शनल एनालिसिस क्या है? एक सोशल टर्म्स है जहाँ पर हम अंडरस्टैंड करते हैं, बिहेवियर को इम्प्रूव करते हैं। ट्रांजेक्शन एनालिसिस ऑफर अ मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी एंड द डायनामिक्स ऑफ सेल्फ एंड इट्स रिलेशनशिप टू अदर्स दैट मेक्स पॉसिबल अ क्लियर एंड मीनिंगफुल डिस्कशन ऑफ बिहेवियर। जहाँ पर जो हमारा एक पर्सनैलिटी मॉडल है, वहाँ पर डिफरेंट हमारे रिलेशनशिप्स होती हैं और क्लियर मीनिंगफुल हमें बिहेवियर का पता होता है कि कैसे हम अपने बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं इंटरपर्सनल बिहेवियर को। व्हेन पीपल इंटरेक्ट देयर इज अ सोशल ट्रांजेक्शन इन विच वन पर्सन रिस्पॉन्ड टू अनदर। यहाँ पर एक पर्सन है वो दूसरे पर्सन को रिस्पॉन्ड करता है। द स्टडी ऑफ दीज ट्रांजेक्शन बिटवीन पीपल इज कॉल्ड ट्रांजेक्शनल एनालिसिस। तो इस प्रकार की स्टडी को, यहाँ पर हम इंटरपर्सनल बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, तो उसे ट्रांजेक्शन एनालिसिस कहा जाता है। जो मॉडल हमें डिवेल्प करके दिया था एरिक बर्नी ने, वो एक साइकोथेरेपी के लिए उन्होंने 1950 में एरिक बर्नी ने इस मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था, डिवेल्प किया था। लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ इज द केयर ऑफ पर्सनैलिटी पैटर्न विच प्रोवाइड इंटरेक्शन। जो सेल्फ क्या है, सेल्फ केयर क्या है, कि जहाँ पर हम इंटरेक्शन है वो हम पर्सनैलिटी पैटर्न को हम देखते हैं कि हमारा सेल्फ है, जो सेल्फ बिहेवियर क्या है। जोसेफ लुफ्ट एंड हैरिंगटन इंगम हैव डेवलप्ड अ डायग्राम दैट गिव्स टू लुक एट व्हाट वन इज कॉन्सियस इन वंस सोशल एक्सचेंज एंड व्हाट वन इज नॉट। दे जौहरी विंडो, ये उन्होंने जोसेफ लुफ्ट एंड हैरिंगटन इंग्राहम ने एक डायग्राम बनाया था, एक फिगर दी थी हमारे अपने एक सेल्फ बिहेवियर के लिए, जिससे उन्होंने जौहरी विंडो का नाम दिया था। उन्होंने अपने नेम्स के आगे वाले पार्ट लेकर इसको नाम दिया था, इस मॉडल को, जौहरी विंडो। यहाँ पर हम अपना बिहेवियर, अपना कॉन्सियस चेक करेंगे कि हम अपने बारे में कैसे, क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते।
देखिए ये एक उन्होंने जौहरी विंडो दी है, इसके फोर क्वाड्रेंट लिए हैं इन्होंने, इन्फॉर्मेशन नोन टू अदर्स, इन्फॉर्मेशन नॉट नोन टू अदर। यहाँ पर एक ओपन सेल्फ है हमारा, ब्लाइंड सेल्फ, हिडन एंड अननोन। आगे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इसे, मॉडल को पूरे को। फोर डिफरेंट क्वाड्रेंट्स दिए हैं, टोटल पर्सन रिलेशन को बताता है, जो सेल्फ अवेयरनेस कैसी है, हमारी बिहेवियर मोटिवेशन फीलिंग क्या है। ओपन सेल्फ में क्या है, हम खुद भी अपने बारे में जानते हैं और दूसरे लोग भी हमारे बारे में जानते हैं। तो ऐसे वन बाय वन हम इसे डिस्कस करेंगे। देखिए ओपन सेल्फ, दिस रेफर्स टू स्टेटस अबाउट एन इंडिविजुअल सच एज बिहेवियर, फीलिंग्स एंड मोटिव दैट ही नोज एंड ही इज़ विलिंग टू शेयर विद अदर्स। यहाँ पर वो खुद भी अपने मोटिव, अपनी फीलिंग्स, बिहेवियर को जानता है और दूसरों के साथ भी शेयर करता है। समटाइम्स इन अ रिलेशनशिप द इंडिविजुअल इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओपन एंड शेयरिंग, इट इज़ क्लियर टू बोथ ही इज़ डूइंग, हाउ ही इज़ फीलिंग एंड वट हीज़ मोटिव आर। यहाँ पर वो बहुत ओपन माइंडेड है, उसे शेयर करना अच्छा लगता है, वो अपने मन में कुछ नहीं रखता, सबको पता है कि जो वो बंदा जो सामने है, जैसा ये करता है वैसा ही दिखता है, ये क्या सोचता है, कैसी इसकी मोटिवेशन है। द ब्लाइंड सेल्फ, दिस रेफर्स टू स्टेट अबाउट एन इंडिविजुअल नोन टू अदर्स बट नॉट नोन टू हिम, अदर्स पीपल नो वट इज़ हैपनिंग टू हिम बट ही इज़ नॉट अवेयर टू इट। ब्लाइंड सेल्फ में क्या है, जिसे खुद को नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है, बट दूसरे लोगों को साथ को पता है कि इसके बारे में क्या होता है। जैसे हम ना जैसे हम कह सकते हैं कि पंजाबी में एक बड़ी अच्छी सी कहावत है कि जब है ना, जब कहते हैं कि जो किसी के घर अग लगती है ना, तो वह धुआं दूजिया नूं ज़्यादा पता लगता है, मीनस खुद नहीं पता लगता कि हाँ, तो जो घर विच हैपनिंग हो रही है वो दूसरों नूं पता हुंदा पर नहीं, घर के मैंबरस नूं नहीं पता हुंदा। उस तरह ही जो ब्लाइंड सैल्फ बिहेवियर है हमारा, वहाँ पर खुद को उसे नहीं पता होता पर दूसरों को उसके बिहेवियर में ज़्यादा पता होता है। द हिडन सेल्फ, द हिडन क्वाड्रेंट रेफर्स टू स्टेट्स दैट अबाउट द इंडिविजुअल नोन टू हिम बट नॉट नोन टू अदर्स, दिस इज प्राइवेट ओनली द कंसर्न नोन व्हाट इज हैपनिंग, द हिडन सेल्फ इज विद इन द विजन ऑफ द इंडिविजुअल बट ही डजंट वॉन्ट टू शेयर विद अदर्स, पीपल लर्न टू हाइड मैनी फीलिंग आइडियाज राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। इसमें क्या है कि खुद को तो उसे पता होता है पर दूसरों को वो ना ही बताना चाहता है, शेयर नहीं करना चाहता कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या उसके माइंड में चल रहा है, उसकी फीलिंग आइडिया, वो बचपन से ही वैसा होता है। द अननोन सेल्फ, दिस रेफर्स टू स्टेट्स दैट नाइदर द इंडिविजुअल नॉर द पर्सन इट सेल्फ, उसके पता ही नहीं होता, नॉर अदर पीपल नो अबाउट हिम, द अननोन सेल्फ इज मिस्टीरियस। ये एक मिस्टीरियस टाइप का बिहेवियर होता है जहाँ पर ना तो उस पर्सन को खुद को पता होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, ना दूसरे बंदों को पता होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ इंटर ग्रुप बिहेवियर, इंटरपर्सनल बिहेवियर एंड ट्रांजेक्शन अनालिसिस एंड सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ कंसेप्ट अबाउट एनी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, ह्यूमन पर्सनैलिटी। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे सेफ।